गाइस ये हमारे मुनीस भाई हैं, हिमाचल से आए हैं, साथ में एक भाई और आए हैं इनके पास, विक्रम भाई। तो मुनीस बताएंगे भाई, आपको कितने साल हो गए ऐसे काम करते हैं? मुनीस भाई मेरे को 7 साल हो गए सर। 7 साल हो गए। बेसिक्स की कितनी नॉलेज थी आपको? सर नहीं थी नॉलेज, बिल्कुल नहीं थी। ओबीडी था, चलानी रहते थे? ओबीडी था सर मेरे पास, लेकिन उसको चलाने का नहीं था पता। ओके, तो अब क्या जो आप 7वां दिन है, आप कितना कॉन्फिडेंस लेवल? सर कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफ़ी बड़ा है मेरा जी। अब जैसे हमको पहले पता नहीं था भाई, जैसे 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से आ रही है, सेंसरों को रिफ्रेंस वोल्टर कितना वोल्ट कितना आ रहा है जी। अगर जैसे हमको ये रिफ्रेंस वोल्ट कितना आ रहा है जी जी, और 12 वोल्ट की सप्लाई कैसे एक्चुएटर को कितनी एक्चुएटर को जैसे जा रही है, सेंसरों को कितनी जा रही है, सेंसर कैसे वर्क कर रहे हैं, इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। लेकिन यहाँ आके हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बड़ा है। साथ में टूल भी दिए गए हैं, टूल भी दिए गए हैं, टूल भी भाइयों ने इकट्ठे किया है। अगर टूल वगैरह हम कितनी भी नॉलेज हो गए, हाँ जी हाँ जी, टूल के बगैर हम काम नहीं कर सकते। टूल अवेलेबल साथ में हमारे पास नॉलेज, तो कोई भी भाई हमारे सामने कोई भी फॉल्ट हम उसको क्लियर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक। और कुछ आपको कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल सर। चलो बहुत बढ़िया। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं गणेश जजरकर महाराष्ट्र से हूँ। मैं BS6 ट्रेनिंग के लिए इधर आया हूँ दिल्ली को। जब BS6 गाड़ी आई तब खाली उसका सर्विसिंग, अगला पिछला चाक खोलने का और फिल्टर साफ करने का, इसके ऊपर हमको कुछ मालूम नहीं था। जब गाड़ी आती थी तब काम करते थे, गाड़ी जाती थी, लेकिन गाड़ी में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वो समझने को कुछ मालूम नहीं था। आज ट्रेनिंग को आया, आज कम से कम 7 दिन हो गए हमको। BS6 के बारे में सब मालूम पड़ा, सेंसर क्या काम करते है, रिले क्या काम करते है, रिले का खाली हॉर्न बजता है इतना ही समझता था। लेकिन वो रिले गाड़ी में सेल स्टार्ट का काम करता है, चालू करने का काम करता है, हर एक चीज़ में रिले काम करता है, ये अभी ट्रेनिंग करने के बाद पता चला। इसके पहले कुछ मालूम नहीं था रिले का। अभी BS6 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम बराबर तरीके से। BS6 में दिक्कत आएगी लेकिन आपको दिक्कत नहीं आएगी? हाँ, BS6 के गाड़ी में काम करने को कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसा। हाँ ऐसा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गई है अभी। अभी कुछ नहीं, सर ने बहुत सा कार्य किया। और जब सीढ़ी बुलाओगे मेरे को? सीढ़ी तो आएंगे ना सर, साईं बाबा का दर्शन कराएंगे तुमको। बुलाओगे ना? ठीक ठीक है ओके। ये वीडियो मैंने बुलवा लिया, कल मैं मना कर दिया, मैं नहीं जानता आपको। सर ऐसे आदमी नहीं है क्या वो? खाली देखो सर, आपने बोला था हाँ बुलाएंगे, सिखाना है। एक मिनट सर, मैं कभी फोन करूँ भाई गणेश भाई मेरे को सीढ़ी जी का दर्शन करने हैं, कौन JP भाई मेरे जानता नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा, मजाक कर रहा हूँ मैं। मेरे को बताया जो बंदे हमारे आए हैं दिल से आए हैं, और मैंने भी अपनी तरफ से वो कराया। ठीक है सर, इतने दिल खुलास आदमी है, वो खाली वो ट्रेनिंग देते है, लेकिन ऐसे वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का मिलाप करके ट्रेनिंग देते हैं। और बोले तो मन के इतने अच्छे है, सबको ऐसे दोस्त समझकर ट्रेनिंग देते हैं, हाथ को पकड़ के बताते हैं क्या किधर है, क्या किधर है, ऐसे इतना ही सर। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। बबीता जाइए, आ जाओ, आप भी आ जाओ, थोड़ा लास्ट डे है, थोड़ा याद रहेगी, यूट्यूब पे डल देगी वीडियो आपकी, थोड़ा रिव्यू। ये हमारे बबीता आसाम से, ये अब बताएंगे हमारा लास्ट डे वाला रिव्यू, मैं 6 दिन में आपने कितना कलेक्ट किया है BS6 के बारे में। सभी को प्रणाम मेरे तरफ से, हमारे सार गुरु जी उनको भी प्रणाम। मैं काफ़ी दिनों से इस लाइन में काम कर रहा हूँ, टू व्हीलर रिलेटेड। पहले हम 4-स्ट्रोक 2-स्ट्रोक की काम करते थे, हमें बहुत सारे उसके अनुभव हो जाते थे ऑटोमेटिक, क्योंकि उसमें DC इग्निशन मेन होते थे और हमारे मैनुअली कार्बोरेटर रिलेटेड पोर्ट आते थे। तो जो भी है उसमें हमारे जितने भी सारे मैकेनिक है, नॉर्मली 100% से 85% तो कर ही लेते थे किसी भी हालात में। तो अभी हमारे जनरेशन के हिसाब से हमारे BS6 आ गए, तो BS6 टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज़ है
इसको मैं कुछ अपने तरीके से समझाऊँ? हाँ हाँ जी। तो अगर आप लोग इजाज़त हो तो, तो B6 अभी हमारे हमको अपने समय के अनुसार हर चीज़ में, जैसे ये एक कंपनी की भी दवा है, दूसरी बात सॉरी गवर्नमेंट की दवा है, और कंपनी उस अनुसार उनको चलना है, जो गवर्नमेंट हर चीज़ को रूल देगा उस रूल को फॉलो करना है। तो B6 बोले तो भारत स्टेज बोलते हैं B6, तो गवर्नमेंट का यही एक पॉलिसी है, तो हर कंपनी को हर पॉलिसी को बाई टू बाई उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी रहता है। इसी कारण से B6 को हमारे को, जैसे भी हमारे सब भाई बंधु है, इनको सबको पता है कि हम काम कर लेते हैं, रनिंग काम कर लेते हैं, बाकी नॉर्मली जो भी काम बनता है हम सब कर लेते हैं, बट काम की हमें मीनिंग नहीं पता चलता है। अगर कोई चीज़ फॉल क्रिएट हो जाता है तो हम उसको जनरेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें सर के वीडियो में बहुत सारे कुछ सीखने मिले, और आगे चल के सर ने B6 से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो डाले, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ जानकारी मिले। इसके लिए हम लोगों को जो भी हमारे कॉन्फिडेंस लेवल थे पहले, जैसे ग्राउंड तक था पॉजिटिव नहीं मिलता था, हम ढूंढते थे, तो आज हमें पॉजिटिव मिल गया सर की कृपा से। और दूसरी बात, कंपनी की जैसे निर्दिष्ट होता है, जैसे सर ने भी हमें कोई चीज़ का निर्दिष्ट दिया है, जैसे पहले का, जैसे हमारे घर में माँ बहन सबकी है, जैसे हमारे नॉर्मल डिलीवरी होते थे ना, तो सीजर की डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी बच्चे जो होते हैं ना, वो आप किसी भी हालात में उनकी पटक दो चाहे कुछ भी करो, वो हर चीज़ का सहन कर लेते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, तो सीजर के जो बच्चे होते हैं ना, उनको अगर थोड़ा सा भी टोकेंगे ना किसी भी हालात से, तो उनको बहुत सारी चीज़ भारी पड़ जाते उनको, प्लस उनके माँ बाप को, कि नहीं 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 सुनेगा नहीं हमारे बच्चा है, क्योंकि हमें प्यार से रखना, हर बच्चा हर किसी के लिए माँ बाप के लिए प्यारे होते। तो वैसा ही है, जो पहले का गाड़ी है, हम किक मारते थे, CDA किसी भी हालात में, करंट बाईपास जो भी कुछ चेक करते थे, किसी भी रिलेटेड से लेके इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से लेके हर चीज़ में, उसमें हम मतलब पॉसिबल था हर काम करने के लिए हम लोग, लेकिन B6 में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब इलेक्ट्रिकल फंक्शन है, इलेक्ट्रिक के हिसाब से चलना पड़ेगा, और कंपनी के डायग्राम और कंपनी के मुताबिक हमें चलना है। तो यही हमारे जो भी मैकेनिक भाई है, सबसे पहले इस चीज़ को फॉलो करना है, ताकि हम जो करें हमारे साथ कोई नुकसान ना हो, लेकिन हमें सीखना है, इम्प्रूव होना है बाय द भाई, लेकिन हमारे वजह से जैसे कस्टमर आता है तो सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर होता है, तो उस चीज़ को हमें फॉलो करना है। हाँ, तो वही उसी चीज़ को हमें फॉलो करके चलना है, जो साहब ने बताया वही करेक्ट बात है, और वही जो हम अपने फ्यूचर में काम लाएगा वही बात। तो इसके लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, B6 बहुत अच्छी चीज़ है। और कोई भाई देना चाहता रिव्यू या एंड करें? सो गाइज, हमारे जितने मैकेनिक भाई थे जो लास्ट दिए, जिन्होंने रिव्यू दिया, मतलब काफ़ी खुश है, खुश भी है क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस इन लोगों से शेयर किया है। भाई एक दो मिनट आप भी आ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत ना है, आ जाओ। ये अमित भाई हैं, ये जलंधर से आए हैं, तो आपको जैसे कि आप बताओ हमारे लाइन से नहीं हो। सर मैं हमारा ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट का काम है सर जी, तो मैं इस फील्ड में नया हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला काफ़ी। अच्छा एक चीज़ और, मैंने इनको मना कर दिया था, ये जो आ रहे थे इनको मना कर दिया था, पूछो मना कर दिया सर हमने को, कहा था सर इसके लिए, कहा था मैंने सब मना कर दिया था, आप रहने दो थोड़ा एक्सपीरियंस लो मेरे को। इन्होंने बोला भाई मैं इस लाइन में नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास समझ में नहीं आएगा ना, मैं मल्टीमीटर चला लेता हूँ, मैं इस लाइन से थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, तब मैंने बोला था, क्योंकि मेरे को पैसे से मतलब नहीं है। मैंने कहा जो बंदा यहाँ पर आ रहा है और वो सीखेगा नहीं, अब उसको बिल्कुल हमारी नॉलेज बिल्कुल नहीं है, तो मैं थोड़ी समय सिखा सकता हूँ उसको, कुछ परसेंट तो उसको वहाँ से लेके आएगा ना, वहाँ से अपने पीछे से मल्टीमीटर थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो ये 6 दिन का जो प्रोग्राम है प्रॉपर समझ में आ जाता है जिन्होंने कर रखा है काम। लेकिन जो बंदे नए हैं उनके लिए थोड़ा मैं वो नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल नहीं है। लेकिन इन्होंने, आप तो बिल्कुल नए हो, तो आपको कुछ समझ में आया ना यहाँ पे? सर काफ़ी चीज़ें मुझे नई सीखने को मिली सर, मुझे सेंसर वगैरह का सर थोड़ा बहुत तो ज्ञान था। अच्छा। पर जैसे आपने बताया पूरी, जैसे कैसे वायरिंग से कैसे सिग्नल मिलते हैं जी जी, उसके बारे में फिर मुझे आगे जानकारी हो गई, काफ़ी चीज़ें पता लगी सर। तो आपने वहाँ पर ही अपने वो शॉप के वहाँ करोगे स्टार्ट, काम कैसे, क्या प्लान है इसके आगे का? सर मैं जैसे आगे करता था, आगे मैकेनिक वगैरह मैंने रखे थे, बाहर बैठाता था, काम कराता था, मैं उनसे और ज़्यादा काम करवा सकता हूँ बढ़िया तरीके से जी जी। मतलब काम करना नहीं है, मैं करवाना है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज के लिए आए थे। चलो बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू। मैं हमारे मैकेनिक भाई वो चेहरे पर बिल्कुल खिले हुए हैं, तो अगर आप भी आना चाहते हो तो हम अब जो नेक्स्ट बैच है मैं डेट फिक्स करने वाला हूँ, 2-4 दिन में जैसे टाइम लगेगा, तो आप जैसे भी हमारा फॉलो जो बताएंगे उसके थ्रू आ सकते हो, लेकिन मैक्सिमम है 20 की, क्योंकि भाइयों ने बताया 20 हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, 20 ठीक है, इससे हम ज़्यादा नहीं लेंगे, जो पहले करेंगे जिस हमारे अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।